गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वॉल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ ड्राइव करते करते, बिकॉज मंदिर आई थी मैं। यस, यहाँ मंदिर से अब हम जा रहे हैं चाय पीने। तो आपको पता ही होगा, जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखता है वो जानता होगा कि हम लोग चाय पीने अक्सर कहाँ जाते हैं मॉर्निंग में। तो मैं वहाँ पहुँच रही हूँ गाड़ी चला के। यस, मैंने खुद ड्राइव किया और आज मैंने स्किन केयर में कुछ किया है नया, जिससे मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। ये देखिए, ये सन लाइट में है एंड बहुत ग्लो कर रही है। उसको वैसे सुबह सुबह कुछ खाना नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ आ जाता है बार बार के खाता है। सुबह सुबह नहीं कुछ खाना चाहिए, मन नहीं करता सुबह खाने का। ये हेल्दी है? ओह माय गॉड, हेल्दी है। पेट में तो इतनी जगह है। एक ऐसी चीज बताओ जो इसमें सही ना हो, हेल्दी हो, बोलो। क्यों, ये मूंगफली, ये जो ये पड़ा सेव, सेव हेल्दी है? देखो हेल्दी ये है, वो ब्रेड हेल्दी है, मेयोनीज हेल्दी है, वो सॉस हेल्दी है, वेजिटेबल सैंडविच। वेजिटेबल सैंडविच, I'm eating vegetable sandwich. 5 hours later. So, यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ एक इवेंट में जाने के लिए। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी हेयर स्टाइल। तो कुछ नई तरह से हेयर स्टाइल बनाई है मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बालों को कर लिया है क्रिम्पिंग, फुल बालों को क्रिम्पिंग किया है। एंड उसके बाद फ्रंट से कुछ इस तरह की हेयर स्टाइल करनी है आपको, ब्रेड बनानी है एंड पोनी कर लेना है, और इस तरह से 4 ponies आपको कर लेनी है। एंड सारे बालों को अब आपको कर्ल करना है ऊपर की साइड में। कर्ल्स हमेशा इसमें जो ले जानी है वो ऊपर की साइड में आपको लेके जानी है, स्प्रे लगाते हुए जाना है। एंड इसी तरह सारे पोनीज को धीरे धीरे आपको छोटे छोटे पार्ट्स लेके कर्ल कर लेना है। एंड बहुत प्यारी हेयर स्टाइल लुक जो आया था, तो ये बहुत प्यारा आया था। एंड इसी तरह से 4 चोटीज करने के बाद आपको सारी चोटियों का कर्ल का बना लेना है। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक मेरे हेयर स्टाइल का। तो ये है आज मेरा हेयर स्टाइल, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है देखने में। एंड ये मेरा जो मैं आज लुक करने जा रही हूँ उस पर ये लुक हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगेगा मेरे ऑल ओवर लुक के लिए। तो फ्रंट से कुछ इस तरह से आया है लुक एंड बैक में बैक का ये लुक है। तो चलिए रेडी होते हैं। तो फिलहाल ये रहा आज का मेरा आउटफिट, तो और हेयर स्टाइल मेरा बन ही गया है। तो चलिए रेडी होते हैं, और फाइनली रेडी होके हम पहुंच गए हैं मेरी किटी में। यस, आज हमारी है किटी, तो सारे किटी मेंबर्स आने वाले हैं धीरे धीरे। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मैंने जंप सूट वेयर किया है एंड उसके साथ ब्लेजर, क्योंकि आज की हमारी किटी थीम थी ब्लैक एंड रेड। तो मैंने ब्लैक और रेड दोनों ही कंबाइन करके वेयर किया है। और सबसे पहले हमारे स्टार्टर्स आ गए हैं, और स्टार्टर्स में आज हमारे हैं स्प्रिंग रोल एंड पनीर टिक्का एंड कॉफी। तो ये हमारे स्टार्टर्स हैं, और बहुत मजा आया काफी दिन बाद ये हमारी किटी। ये हमारी फर्स्ट किटी है जो मेरे पर्सनल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ है। तो फिलहाल मेरी 2 किटीज हो रही हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं जाने वाली हूँ वो मेरी दूसरी है। ये हमारी कुछ लिमिटेड, कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ मैंने अपनी किटी की है। तो बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए पूरे व्लॉग में। एंड इसमें हम लोग ने बहुत सारे गेम, बहुत एक्साइटिंग गेम रखे हुए हैं। तो फिलहाल तो एंजॉय कर रही हूँ मैं अपना स्टार्टर। और आप सोच रहे होंगे कि ये वॉइस ओवर क्यों हो रहा है, तो ये वॉइस ओवर इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सा स्लो म्यूजिक बज रहा है, जो कि हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट करके करवाया था। तो बहुत अच्छा म्यूजिक के साथ मजा आ रही थी, तो मैंने फुल इंजॉय किया है उस मोमेंट को। एंड मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूंगी मैं बाद में। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है किटी के रूल्स का, और क्या रूल्स रखने वाले हैं, कैसा खाना रखने वाले हैं। और फिलहाल मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना आप लोग।
ये रहा मेरा लुक। और आप बताना इस जो आउटफिट के साथ क्या ये हेयर स्टाइल जा रही है, कैसी लग रही है हेयर स्टाइल, इस आउटफिट को सूट कर रही है या नहीं, जरूर बताना। सो ये देखिए सारा किट्टी का खाना, ये 1% ने खाया है, कोई भी नहीं खा रहा इस समय, पूरा खाना ये खाएंगी और नीचे जिम है उसका फायदा उठाएंगी, खत्म करनी ये इसी जिम में है ना इसीलिए। ये फायदा तो ये है कि हर किट्टी ब्लॉग। तो स्टार्टर्स हमारे फिनिश हो चुके हैं और ये रहा किट्टी का फर्स्ट गेम। तो इस तरह से हमने एंजॉय करी अपनी किटी के फर्स्ट गेम को। यहाँ पे कैंडल बना के रखनी है और उसके अंदर सारी बैंगल्स को डालना है। नेक्स्ट, और चलो जब तीन बोले तब आपको जलाना। अभी 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 11 करना है। 6, 7 वन बोलो
चलो 19 अरे यार रुको 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 टाइम नहीं है रुको अभी हो रहा है नेक्स्ट किसकी किटी ओपन होने जा रही है उसके नाम का अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे जो किटी जिनकी ओपन हुई है वो एब्सेंट थी, तो जो नहीं आया था उनकी किटी को नहीं ओपन किया गया है, जो आए हैं उन्हीं के लिए किटी ओपन हो रही है। फिलहाल आपको हमारे गेम्स कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे पूरे गेम्स का जो थीम था वो मैंने सेलेक्ट करके जिनकी ओपन हुई थी उनको दे दिया था, तो बहुत मजा आई गेम खेल के, बहुत ही ज्यादा मजा आई। और यहाँ किटी ओपन हो गई है और अभी चलिए करते हैं थोड़ा बहुत डांस। कपल डांस कर रही हो हैं यार, हम कह रहे हैं कपल डांस करा तो नहीं है।
दिन हमने एंजॉय किया इस होटल का, जो गेम रूम थे उसका भी, तो ये गेम फिलहाल हमें तो नहीं आता था हम लोगों को, बट एंजॉय तो कर ही लिया है हर चीज को, तो बहुत मजा आई इस किटी में। एंड अभी हो गया हमारे फाइनली जो मेन कोर्स है उसका, उससे पहले जिनकी किटी ओपन हुई है उनको ये पैसे दे दिए गए हैं। तो फिलहाल इस किटी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है हम लोगों ने। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और यहाँ सब लोग आपको कर रहे हैं हेलो, जो भी मेरे यूट्यूब मेंबर्स हैं, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, उन सभी को मेरे ये नए फ्रेंड्स कैसे लगे जरूर बताइएगा। एंड मेन कोर्स में इस बार हम लोगों ने ऑर्डर किया है डोसा, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा भर गया था स्टार्टर्स में, तो मेन कोर्स में आया है पनीर डोसा। और चलिए इसको एंजॉय करती हूँ, खाती हूँ, मैं बताती हूँ कि कैसा लगा है। तो यस, डोसा तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। एंड सब ने इस किटी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय, उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि इतने अच्छे गेम्स रखे हैं, इतने अच्छे से गेम्स हुए हैं दोनों। एंड अब नेक्स्ट किटी में क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट वाली किटी में होली आ जाएगी, तो होली में क्या करना है उसी सारी चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है। एंड ये रहा डेजर्ट, तो किटी कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा जरूर